हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किशोर कुमार साहू और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरा वीडियो जल्दी से देख पाएँ। फ्रेंड्स, जैसे आपको मालूम है कि मैं कंटिन्यू आपके लिए बजाज चेतक से रिलेटेड वीडियो हमेशा बनाता आ रहा हूँ और बनाऊँगा भी, जब तक फ्रेंड्स ये स्कूटर आप जो देख रहे हैं ये चल रहा है, इसके पार्ट जब तक मिलेंगे फ्रेंड्स आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। और आप मुझे मैसेज करिए या कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे को मैसेज करते हैं तो मेरा इंस्टा आईडी है बजाज चेतक 99, आप मेरे को मैसेज करिए फ्रेंड्स, मैं आपका उस टॉपिक में वीडियो बना के दूंगा। चाहे आपका जो भी प्रॉब्लम हो, मैं कोशिश करूंगा आपका जो प्रॉब्लम है वो एक बार आपको मैसेज से रिप्लाई दे के बताऊँ, फिर फ्रेंड्स उस टॉपिक में वीडियो बना दूँ। फ्रेंड्स, अभी मेरे पास 3-4 हैं, भाई हैं, भैया हैं, उनका मैसेज आया है कि हमारे जो स्कूटर है उसमें ओवरफ्लो का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं उसी टॉपिक में आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपकी गाड़ी में ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है तो वो कैसे आता है, क्यों आता है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए तो पहले बात तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो फ्रेंड्स, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे पास जो जेटेक्स का कार्बोरेटर रखा हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे स्कूटर का ओरिजिनल है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जेटेक्स का है और अभी एक मैं वीडियो बनाया हूँ फ्रेंड्स। अगर आपके पास बजाज चेतक स्कूटर है और आप इसका जो माइलेज कैसे सेट कर सकते हैं तो आप वीडियो नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके स्कूटर में ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है तो कैसे ठीक करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, साइड पैनल ओपन किया हूँ और अभी आप देख रहे होंगे, देखिए इसमें कितना डस्ट है, ये देखिए, ठीक है, मैं आपको पास से भी दिखाता हूँ और ये देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी इसको ओपन किया हूँ तो थोड़ा एक कपड़ा लेके आप इसको ऐसे करके झड़ा सकते हैं, थोड़ा इसमें जो डस्ट है आप दिख भी रहा होगा, तो इसको आप थोड़ा क्लीन करिए। और फ्रेंड्स, एक बात आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, आप कभी भी साइड पैनल ओपन करते थे जो दिखना कपलर दिख रहा है ना, ये कपलर को आपको ओपन करना है, या तो फिर आपके पास अगर पंप है, जो हम साइकिल में जो हवा भरते हैं वो पंप है, चाइना पंप जो भी है, तो उसके प्रेशर से फ्रेंड्स इसके अंदर जो डस्ट है उसको आप रिमूव करिए, हटा दीजिए। फ्रेंड्स, कई बार वो इसके वजह से भी आपकी जो गाड़ी है इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है, या आप गाड़ी चला रहे हैं और करेंट ठीक से नहीं आता फ्रेंड्स, तो ये सबको आपको एक बार कपड़ा मारना है, या फिर आपके पास अगर पंप है तो आप एयर प्रेशर से इसको साफ़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मैं अब जो कार्बोरेटर की जो मैं बात कर रहा था, तो ये देखिए ये कार्बोरेटर है, ठीक है, ये 2-स्ट्रोक में आते थे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो आप कार्बोरेटर देख रहे हैं ये 2-स्ट्रोक के हैं, जो भी आपके 2-स्ट्रोक स्कूटर हैं उसमें ये कार्बोरेटर आते थे, और 4-स्ट्रोक के वो अलग है, जैसे आपको मालूम होगा हम उसको बाइक वाला करके ज़्यादातर उसको बात करते हैं, जो बाइक में लगे रहते हैं स्प्लेंडर में वो वाले होते हैं। तो आपको एक बात मैं बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक आपको कवर दिख रहा होगा, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्कूटर में ये कवर नहीं है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं, वो जो कवर होता है वहाँ अगर हम उस कवर को रिमूव करते हैं तो जो हमारा जो स्कूटर का जो एयर मिक्सर स्क्रू है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अगर हम उस कवर को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो ये जो आप स्क्रू देख रहे हैं एयर मिक्सर का स्क्रू दिखता है। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग मेरे को बताते हैं भैया हमारी स्कूटर ओवरफ्लो की प्रॉब्लम कर रही है, हम उसको कैसे ठीक करें, क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स, चलिए तो पहले तो मैं ये दोनों जो आपको जो नट दिख रहे हैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स। और देखिए, अगर आपके स्कूटर में ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है तो आपकी स्कूटर, जैसे एक टाइम फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था इससे, मतलब गाड़ी थोड़ा दूर ही चलता था और थोड़ा दूर चलने के बाद फ्रेंड्स बंद हो जाता था, फिर किक मारते रहो फ्रेंड्स। मेरे को पता तब चला जब गाड़ी से स्मेल आने लगा, जैसे हम अगर गाड़ी ओवरफ्लो होती है और अगर हम कंटिन्यू किक मार रहे हैं तो पेट्रोल का जो बोल सकते हैं ना स्मेल आने लगता है, तब मेरे को पता चला कि ओवरफ्लो हो रही है। कुछ दिन में फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको मैं आपको दिखाया है, देखिए जो कैप लगा हुआ है, अगर हम इस कैप को रिमूव कर दें तो यहाँ से भी फ्रेंड्स देखिए, अगर इसमें ओवरफ्लो होता है तो अंदर पेट्रोल जो है वो इसमें भर जाता है, ठीक है, और यहाँ से फिर धीरे धीरे लीकेज होता है, ठीक है। अगर जैसे आपके स्कूटर में अगर ये नहीं है तो ये तो कंटिन्यू जैसे ओवरफ्लो हो रहा था, यहाँ गिरेगा और आपको यहाँ पर पूरा गीला, मतलब जो देख रहे हैं ना अभी आप पूरा देख रहे हैं यहाँ पर सूखा है,
अगर ओवरफ्लो का प्रॉब्लम फ्रेंड्स तो आप देखेंगे यहाँ पर पेट्रोल आते रहता है, गिरते रहता है, यहाँ पर गीला रहता है, ये सरफेस जो आप देख रहे हैं अभी पूरा सूखा है वो गीला रहता है, ठीक है। और चलिए इसको भी मैं एयर फिल्टर को हटाता हूँ, और अभी आपको मैं एयर फिल्टर की जो कंडीशन दिखाता हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। आपको डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये यहाँ पर दे देखिए, यहाँ पर का जो आपको जो हल्का सा कलर अलग दिख रहा होगा और इधर का जो देख रहे हैं ये कलर अलग दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इसको भी हमको साफ़ करना होगा, और इसका एक दिन मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कैसे हम इसका साफ़ करें, कैसे हल्का सा मतलब सर्विस कर सकते हैं, छोटा सर्विस, फिर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ अपने गाड़ी का ओवरऑल सर्विस कैसे करना है। तो चलिए एयर फिल्टर को मैं रिमूव करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कारण से अगर ये आप जो देख रहे हैं कार्बोरेटर का कैप है, एयर फिल्टर खोलते हैं तो इसको साफ़ ज़रूर करिए, ये दोनों जेट है, इस जेट को ओपन करके इसको साफ़ करिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एकदम बोलते हैं ना फाइन एकदम पतले जो होल होते हैं उसको भी आपको साफ़ करना जरूरी है फ्रेंड्स, कई बार उसमें कचड़ा आ जाता है, इस वजह से गाड़ी में जो बोलते हैं ना हमको जितना अमाउंट में पेट्रोल चाहिए वो नहीं आ पाता है, तो बहुत से प्रॉब्लम करते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं आपको बता दूं, अगर आपकी गाड़ी में ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है तो ये जो आप अंदर एरिया देख रहे हैं यहाँ पेट्रोल भरा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। और अभी आप देख रहे होंगे, ये देखिए एक गलती जो मैं किया था, आप मत करिएगा फ्रेंड्स। इसको मैं क्या किया, कुछ ज़्यादा ही टाइट किया तो अंदर का जो इसका जो चूड़ी होता है फ्रेंड्स वो ख़राब हो गया था, इसके वजह से मेरे को ये जुगाड़ से आप देख रहे होंगे जो इसकी जो साइज़ है बड़ी है तो इसको लगाना पड़ा है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, मेरा जो वीडियो हो थोड़ा बड़ा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि मैं आपको एकदम डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देना कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप मेरे को बाद में कमेंट ना करें कि हमको ये समझ में नहीं आया वो नहीं समझ में आया। इस कारण फ्रेंड्स वीडियो भले ही लंबा है लेकिन आप देखेंगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पूरा नॉलेज मिलेगा फ्रेंड्स। अभी अब मैं आपको इस कार्बोरेटर को ओपन करके दिखाने वाला हूँ कैसे आप जो ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको मैं बता दूं, ये जो देख रहे हैं ये नट है और एक ये नट है, ठीक है, ये दोनों नट को खोलना है और इसको खोलना है फ्रेंड्स। मैं जैसे एक और भी वीडियो बना चुका हूं तो इसके अंदर जो वॉशर होते हैं फ्रेंड्स, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो वॉशर को देख के लगाइएगा, कटा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर कहीं से कटा है उसको एयर मिल रहा है तो फ्रेंड्स ये ओवरफ्लो का प्रॉब्लम करेगा, तो इसका जो पैकिंग है उसको भी आपको ध्यान देना है कि कटा नहीं होना चाहिए। तो जल्दी फ्रेंड्स ये दोनों को मैं अपन ओपन करता हूँ फिर मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ, ये देखिए। और इसको आपको आराम से उठाना है और ये देखिए इसमें जो पैकिंग लगा हुआ है ये देखिए फ्रेंड्स, इस पैकिंग को भी आपको ध्यान देना है, ये पैकिंग कटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पैकिंग है मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा एरिया को कवर करके रखता है, ठीक है। और अगर पैकिंग कटा है तो फ्रेंड्स यहाँ से भी पेट्रोल बाहर आने लगता है, ये जो देख रहे हैं ना। और जैसे चोक का अगर प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी में, चोक काम नहीं कर रहा तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जब आप इसको ओपन करेंगे तब ही दिखेगा, ये देख यहाँ पर एक छोटा सा जेट है जो आपका चोक में लगा होता है, ये देखिए चोक वाला कनेक्शन है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है फ्रेंड्स, जैसे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर फ्रेंड्स आप इसको ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, ऐसे पकड़ते हैं फ्रेंड्स तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्लोट है वो एकदम फ्री रहना चाहिए, ये देखिए पूरा फ्री है। जैसे इसको मैं यहाँ से अगर छोड़ देता हूँ, अपना हाथ हटाता हूँ तो ये अपना लास्ट पोजीशन में आ जाता है, ये देखिए ये ऐसा फ्री रहना चाहिए। अगर आपका जो फ्लोट है अगर ये फ्री नहीं है, मान लीजिए अगर ये यहाँ फंस रहा है, यहाँ फंस रहा है, तो फ्रेंड्स क्या होता है, अगर पेट्रोल फिलअप हो रहा है तो ये ऊपर नहीं जाता, ये कंटिन्यू ऐसा है तो इसमें कंटिन्यू पेट्रोल आने लगता है, ठीक है। तो आपको इसको ये ध्यान देना है कि ये फ्री है कि नहीं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, ये जो आपको जो पिन दिख रहा है ये देखिए, ये देखिए ये वाला पिन, इसको आपको किसी भी चीज़ के मदद से प्रेस करके इसको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं निकालता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स। और अभी मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ही आप ये जो पिन है यहाँ पर लगा हुआ था ये देखिए, ये पिन रिमूव करेंगे तो आपका ये देखिए, ये फ्लूइड पिन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये। और इसका जो आपको बता दूं, इसका जो पॉइंट होता है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा कोशिश करूँगा दिखाने का, तो फ्रेंड्स इसका जो पॉइंट होता है ना
ये ख़राब होता है। या फ्रेंड्स हमको इसको ठीक करने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप जब इसको खोलेंगे तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो इसको जब लगाएंगे तो इसको ध्यान से वापस लगाइएगा जैसे लगता है, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फ्लूइड पिन फ्रेंड्स ऐसा रहता है, ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसा इसमें फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ जो प्ले देख रहे हैं ना, तो आपको इसको कवर करना है। मैं आपको फिर दिखाऊंगा, ये देखिए जो प्ले है, तो इसको कवर करने के लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये फाइल जो हम घर में यूज़ करते हैं ना, फाइल उसका है। तो आपको इसको क्या करना है, छोटा सा जो पीस है इसको कट करना है फ्रेंड्स। ऐसा यूज़ करना है जो जैसे हम पानी हैं तो फ्रेंड्स पेट्रोल जो है, अगर हम पेपर यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स वो धुल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये है प्लास्टिक, ये ऐसे ख़राब नहीं होगा। तो इसको आपको छोटा सा पीस काटना है। काटने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, फेवी क्विक की मदद से फ्रेंड्स इसका जो ये देख रहे हैं बॉटम में, फ्रेंड्स इसका जो बॉटम है इसमें आपको इसी का साइज़ का छोटा सा इसमें फेवी क्विक से इसको चिपकाना है छोटा सा फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर आप उसको लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका जो गैप है ये कम हो जाएगा, और ये जो आप देख रहे हैं अभी इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये जो गैप है जो अभी आपको दिख रहा होगा इसमें हल्का फ्री है, वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके फ्रेंड्स आप इसको बना सकते हैं। और इसका जो मैं आपको माउस दिखाने का कोशिश करूँगा फ्रेंड्स, तो अभी आप जो देख रहे हैं इसका जो पॉइंट है एकदम नुकीला है। ठीक है, और कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि इसका जो पॉइंट है वो कट जाता है, इसके वजह से प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर फ्रेंड्स हम जैसे मैं आपको बताया ऐसा कुछ भी फाइल पेपर को ले सकते हैं और कट करके छोटा सा पीस उसमें लगाएंगे तो फ्रेंड्स ऐसा प्रॉब्लम दूर हो जाता है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही किया था पहले। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको चेंज इसलिए किया क्योंकि इसका जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर जो आप देख रहे हैं जिससे हम एक्सीलेटर को वो करते हैं, देखिए, तो ये इसके ख़राब होने की वजह से फ्रेंड्स मैं इसको चेंज किया हूँ। जैसे हम आरपीएम को पूरा मतलब जैसे हम बोल रहे हैं ना, कम करने के बावजूद भी फ्रेंड्स इसका आरपीएम मतलब एक टाइम में कम रहता था, लेकिन ज़्यादा कम करने से इसका रेस जो उल्टा बढ़ने लगता था, तो इसकी वजह से मैं इसको चेंज किया हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको सेम ऐसे ही करना है, मैं आपको जैसे बताया हूँ कि आपको इसमें एक फाइल का पेपर है या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम टैबलेट वगैरह खाते हैं तो उसका जो पार्ट्स होता है ना, उसका जो पेपर होता है, तो उसको आप यहाँ पर हल्का सा फेविक्विक लगा के इसमें चिपका दीजिएगा। और फिर इसको जैसे आप निकाले थे फ्रेंड्स वैसे लगाइएगा, और लगाने से पहले आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसका पैकिंग, इसको आपको लगाना है। और लगाने के बाद फ्रेंड्स जैसे है वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको पहले ही बोला हूँ, आप कभी भी इसका खोलते हैं तो जेट को ज़रूर क्लीन करिएगा। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार ऐसा करके देखिए, अगर ऐसा करने से ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फ्रेंड्स फिर आपको न्यू कार्बोरेटर लेना होगा। या तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ इतना ही कंप्लीट सेट, इतना है जो ये जो है इसका कंप्लीट सेट अलग से मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।